नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार टोला सेवक वैकेंसी 2023-24 के बारे में, जो कि 2578 पदों पर भर्ती निकली हुई है। जो कि आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी 2023 में ही निकली हुई थी, लेकिन लगातार ना चलने की वजह से 2024 में वैकेंसी आ चुकी है। तो काफी ज्यादा लोग परेशान थे कि कुछ दिन पहले से इसको लेकर कोई नया अपडेट नहीं आ रहा था, तो उनको कहना था कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गया है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भर्ती अब होगा नहीं। तो फाइनली दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि गुड न्यूज होने वाला है, क्योंकि नया सूचना जारी होना शुरू कर दिया गया। तो इस वीडियो में बताएंगे कब तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी और कौन से जिले से नया सूचना आया है और किस तरीके से आपको अपने जिले का सूचना चेक करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि किसी प्रकार का आपको हमें इस वीडियो मिल सके। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार एड का ऑफिसियल वेबसाइट पे चलेंगे। यहां पे आएंगे तो डायरेक्टली इस वाले हमने आर्टिकल का लिंक दिया है, जिस उस पे क्लिक करेंगे इस वाले आर्टिकल पे चलेंगे। दोस्तों आपको हम जानकारी के लिए बता दें, इसमें हमने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे फॉर्म जमा करना पड़ेगा, कहाँ से आपको ऑफिशियल जो भी इसका फॉर्म डाउनलोड करना है, हर एक जानकारी हमने आपको बताया। तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि क्या नई अपडेट निकल कर रही है, कौन से जिले से अपडेट निकल कर रही है, कब तक ये भर्ती ले ली जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है इसका समय, यानी कि भर्ती यानी कि नवंबर में ही खत्म हो जानी थी पूरी तरीके से, लेकिन अभी आप सभी को पता होगा कि फरवरी महीना चल रहा है। तो यहाँ पाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि ये 2578 पद भर्ती निकली हुई, जो कि 10वीं पास रहने वाली है और इसका 22,000 सैलरी रहने वाला है। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक जानकारी बता दिया है किस तरीके से क्या करना है। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऑल डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप सबको पता होगा कि भर्ती केवल बिहार के लोगों के लिए ही है और बिहार के सभी जिलों में ही भर्ती होनी है। यहाँ से बिहार के सभी जिलों का डायरेक्ट यहाँ पे लिंक दे दिया गया, नहीं तो ऑल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार ऑफिसियल वेबसाइट पे चलेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो भी बनाया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है, कहाँ पे फॉर्म भरना है, तो आप जाकर देख लीजिए। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कहाँ पे नई अपडेट निकल कर रही है। आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि हमने बताया था। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं रोहतास जिले पे हम ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल पर जाते हैं। आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर जाकर चेक करिएगा वीडियो को देखने के बाद, ऐसा नहीं कि अभी जाकर चेक करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लगते हैं कमेंट करने कि हमको ये नहीं समझ में आया, तो आपको पूरी जानकारी समझ लेना है उसके बाद चेक करना है। इस पर भी बता देते दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं चेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है अच्छी तरह से। तो आपको बता दें काफी ज्यादा लोग यहाँ से अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर आ गए हैं, जो कि देख सकते हैं हम आपको लाइव दिखला रहे हैं, और यहाँ पे जाने के बाद नोटिस का ऑप्शन जाते हैं और रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जाते हैं और अचीव का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि आपको कोई अपडेट नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं कोई नया अपडेट नहीं है। तो आपको किस तरीके से देखना है कि कोई नया अपडेट आया कि नहीं आया, यह सर्च बार का ऑप्शन देख लेते हैं। इस पर भी आपको क्लिक करके इस पर शिक्षा से सर्च करेंगे, उस पर सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो भी नया अपडेट होगा उसके रिगार्डिंग, नया या पुराना भी अपडेट होगा, कुछ जो भी सर्च करेंगे उसके रिगार्डिंग कोई सा भी पीडीएफ फाइल होगा तो आपको यहाँ अपडेट आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला आपको क्लिक करते हैं तो आपको देख लिया जाएगा 8 फरवरी 2024 की डेट में, आज की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रोहतास जिले के एनआईसी पोर्टल पर। आप अपने जिले के एनआईसी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अब चलिए सीधे तौर पर बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया। इस पर नोटिफिकेशन हम ओपन करते हैं और यहाँ से बताया गया कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास यानी सासाराम साक्षरता शाखा बताया गया सहायक निदेशक जन शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 191 दिनांक 3 फरवरी 2024 के आलोक में महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अंचल के योजना के अंतर्गत 400 रिक्त 45 चिन्हित टोलों के शिक्षा सेवक शिक्षा सेवक तालीम मंच का नियोजन हेतु संशोधित के कैलेंडर और कैलेंडर जारी किया गया। दोस्तों आपको हम बता दें इसके पहले भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आया था, जो कि हम यहाँ पे देख सकते बेक करेंगे तो अलग अलग प्रकार का जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो जो पुराने वाला नोटिफिकेशन था उसमें गड़बड़ी था, इसी को देखते हुए विभाग ने इस नए स्तर से जारी किया है। अब इस स्तर से जो भी है इसमें डेट वगैरह बताया गया, इस स्तर से इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया लिया जाएगा और कहाँ कहाँ भर्ती है उसका बता देगा पूरा डिटेल। चलिए हम आपको शॉर्टकट तरीके से बता देंगे, आप अपने स्तर से एक बार जाँच कर लीजिएगा उसके बाद ही आवेदन करेगा। बताएगा जो भी समिति का जो गठन किया जाएगा 13 फरवरी 2024 को किया जाएगा और विज्ञापन जो मतलब आवेदन के लिए जाएगा 15 फरवरी 2024 से लेकर इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन प्राप्त करने की तिथि 24 फरवरी 2024 तक रहेगा, यानी इस तरीके से लेकर नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे आज ही से आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन आवेदन 15 फरवरी 2024 से लिखा गया है।
अपने विद्यालय का जो भी चिन्हित विद्यालय वहां पे आपको आवेदन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। मेघांक की जो भी गणना होगा 28 फरवरी 2024 को होगा। आपत्ति का आमंत्रण होगा 3 मार्च 2024 को होगा। आपत्ति का निराकरण जो होगा 6 मार्च 2024 को होगा। एंड इसमें डेट वगैरह मेंशन कर दिया गया। दोस्तों ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना दिया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है। आप अपने हस्ते से देख लीजिएगा कौन से डेट को क्या होने वाला है, जो कि इसमें बताया गया जो भी मेघांक का जो गणना होगा 28 फरवरी 2024 को होगा और आपत्ति आमंत्रण होगा 3 मार्च 2024 को होगा। अन्य सीधे तौर पर बात कर लेते हैं जो भी वैकेंसी की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी मार्च महीने तक कर ली जाएगी, 30 मार्च 2024 तक पूरी कर ली जाएगी, जो कि आप सबको पता होगा फरवरी महीने चल रहा है। तो आपको समझ लेना है कि ये तो रोहतास जिले का नोटिफिकेशन आया, तो इसमें मार्च महीने तक देख ला, हो सकता है कि आगे भी यानी कि जो भी भर्ती जाएगी पूरी तरीके से मार्च तक आखिरी तक हो जानी, नहीं तो यानी अप्रैल के यानी कि 2 से 3 हफ्ते के बीच में भर्ती पूरी कर ली जाएगी सभी जिले में। तब यहाँ देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कौन से जिले में, मतलब कौन से जिले में कहाँ पे भर्ती आई है। तो देख सकते तो प्रखंड का नाम दिया गया सूर्यपुरा, पंचायत का नगर पंचायत दिया अग्रेर कला, जहाँ भर्ती होनी टोला जहाँ चिन्हित है महादलित टोला अग्रेर है। जो पद की बात करते शिक्षा सेवक तालीम मरकज का, तो यहाँ शिक्षा सेवक का पद है। यहाँ पे देखेंगे तो तालीमी मरकज का भी पद रहने वाला है। पुरुष के इसमें सीट रखा गया है, यहाँ पे महिला का सीट रखा गया है। और समिति का गठन हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ यह नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। विद्यालय का नाम जो भी है यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको लेकर सूचना जारी किया गया था। दोस्तों अगर आप भी रोहतास से आते हैं, आप अपने मतलब देख लीजिए जहाँ पे भर्ती है, अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें देख सकते हैं लगभग यहाँ बताया गया 18 आने के प्रखंड में भर्ती आई है, अलग अलग पंचायत में अलग अलग स्कूल के अंतर्गत आई है, जहाँ पर महिला पुरुष दोनों के लिए बताया गया। और इसके रिगार्डिंग पहले भी सूचना जारी किया गया था। यहाँ देख सकते हम पुराना वाला नोटिफिकेशन खोलते हैं, तो इसके रिगार्डिंग पहले भी जारी किया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया था, इसी को यानी सुधार करके यहाँ देख सकते हैं, इसी को सुधार करके ये मतलब नए स्तर से आवेदन लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं बताया गया बहुत से लोगों ने आवेदन भी किया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो भी आवेदन किए तो दोबारा भी आवेदन हो सकता है कि लिया जाए, इसके लेकर नए स्तर से मतलब बोला गया है कि नए स्तर से सूचना जारी किया गया, अब आप दोबारा मतलब आवेदन कर सकते हैं। देख सकते पदों के नियोजन हेतु संशोधित वर्क कैलेंडर जारी किया गया, ठीक है, संशोधित वर्क कैलेंडर ये जारी किया गया। तो इस तरीके से मतलब आप आवेदन करिएगा जहां जहां पे भर्ती आई है, जहां जब एक बार फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि क्या इसमें बताया गया है क्या नहीं बताया गया, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में अपने शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके इसके बारे में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पुराना वाला नोटिफिकेशन भी आप देख लेंगे तो अच्छी रहेगा, क्योंकि आपके लिए बेहतर रहेगा समझने में। क्योंकि यहाँ पे बैक करके देखेंगे तो लगभग 5-6 नोटिफिकेशन जारी किया गया इसी के रिगार्डिंग, इसमें देख लीजिएगा काफी ज्यादा लोग आवेदन भी किए थे और उनका मतलब देख सकते हैं पुराने वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखलाई देगा। तो यह पुराने वाला नोटिफिकेशन कोई बात नहीं, अब नए जो स्तर से नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया इसी आधार पर फिर से आवेदन मतलब ले लिए जाएंगे और भर्ती में सिलेक्शन हो पाएंगे। तो आप जिनका मार्क्स ज्यादा रहेगा मेडिक में उन्हीं का सिलेक्शन होना है, जो कि आप सबको पता होगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।